हर विपरीत हालात में नरेंद्र मोदी आखिर कैसे जीत जाते हैं? मोदी की वो साइलेंट वोट पावर क्या है जिसके बल पर चुनाव में बड़े बड़े पॉलिटिकल टावर ध्वस्त हो जाते हैं? सियासत के सबसे बड़े बाजीगर नरेंद्र मोदी किस विराट शक्ति के भरोसे अपनी जीत को पक्की कर लेते हैं और कैसे हर हारी बाजी को वो पलट देते हैं? सवाल यह भी कि वो कौन सा अटल विश्वास है जो गेम चेंजर मोदी को राजनीति का अजय खिलाड़ी बना देता है और दूसरे सियासी सुरमाओं को आखिरी दांव में अनाड़ी बना देता है। जो साइलेंट वोट पावर ने मोदी के विजय रीति और नीति को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया है, इसी पर हमारी आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोट। मजाक कर रही है ताजी की यादव भी देगा? झूठ नहीं बोल रही है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी बुला रहे हैं? जी हाँ। साइलेंट वोटर अब उनकी गुंज सुनाने लगी है। तो मोदी जी क्यों, कोई कोई खास वजह? हाँ, है? क्या वजह है खास? अच्छे, इतने जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या भैया, मैडम तो आपसे अलग चल रही है। वो मजाक कर रही है। ये साइलेंट वोटर्स हैं, देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदर पूर्वक नमन करता। सामने पहाड़ हो, विरोधियों की दहाड़ हो, मुश्किलें हजार हो, आशंकाओं की दीवार हो, नरेंद्र कभी रुके नहीं, नरेंद्र कभी झुके नहीं, नरेंद्र कभी टूटे नहीं, नरेंद्र कभी हटे नहीं। विपरीत हालात में भी अपने लौह पुरुषार्थ से विजय की गाथा लिखने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। असंभावनाओं की घनघोर घटाओं से घिरे वायुमंडल में अपनी विजय पताका फहरा देने वाले नरेंद्र मोदी की पहचान विकट परिस्थितियों में भी ना झुकने वाले कर्मयोगी राजनेता की है। यही मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी है, जिसके आगे विरोधियों के चक्रव्यूह ध्वस्त हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आखिर झुकना पड़ता है। बिहार विजय के बाद राजनीति के रण क्षेत्र में अब सबसे बड़ा सवाल यही है। विपरीत हालात में नरेंद्र मोदी कैसे जीत जाते हैं? आग के हर दरिया से नरेंद्र मोदी कैसे पार हो जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइलेंट पावर क्या है? दरअसल
दरअसल पीएम मोदी की साइलेंट पावर वो महिला शक्ति है जो मोदी के साथ होकर विरोधियों की हर बाजी पलट देती है। लोकतंत्र की वो आदि शक्ति जो बूथ पर जाने से पहले खामोश रहती है, लेकिन आखिरी वक्त में अपने फैसले की मोहर मोदी के नाम पर लगाकर उन्हें सियासत का सिकंदर बना देती है। अच्छा ये बताइए तौफीक साहब, चुनाव का आखिरी क्षण है, क्या लग रहा है बिहारी भाईजान किसे पहुंचाएंगे विधानसभा में? बिहार का राजा किसे बनाएंगे भाईजान? बोलिए जो बोल। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। मैडम आप बताइए, ये तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको क्या लग रहा है? हाँ। कौन, नाम बोलिए। मोदी जी। मोदी जी, जी। अच्छा वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप मोदी जी? यस। क्या कर रहे हैं घर में ही अलग अलग? हाँ तो क्या हुआ? तो मोदी जी क्यों, कोई खास वजह? हाँ। क्या वजह है खास? अच्छे, इतना जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या भैया, मैडम तो आपसे अलग चल रही है। वो मजाक कर रही है। वो मजाक कर रही है। हाँ, कैमरा वाले सामने डर लग रहा है। झूठ नहीं बोलिए। हम ऐसा, चलो ठीक है, वो मजाक कर रही है, ताकि यादव जीतेगा। झूठ नहीं बोलिए। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मोदी जी को ला रही हैं? जी हाँ। टीवी 9 भारतवर्ष का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बिहार में मोदी ने आखिर कैसे विरोधियों का सारा तेज मद्दम किया। कैसे उनके हर मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। आखिर चुनावी महासमर में मोदी के पीछे किसकी शक्ति छिपी रहती है जो उन्हें सबसे बड़ा बाजीगर बना देती है। इन सभी सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि आखिर उनकी कामयाबी के पीछे साइलेंट पावर कौन है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। इस आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने जिस साइलेंट वोटर की बात कर रहे थे, ये वही विशाल नारी शक्ति है जो टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को बिहार चुनाव के दौरान पटना में मिला और अब इस मुस्लिम दंपत्ति का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? हाँ। कौन, नाम बोलिए। मोदी जी। मोदी जी, जी। अच्छा वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप मोदी जी? यस। क्या कर रहे हैं घर में ही अलग अलग? हाँ तो क्या हुआ? तो मोदी जी क्यों, कोई खास वजह? हाँ। क्या वजह है खास? अच्छे, इतना जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या भैया, मैडम तो आपसे अलग चल रही है। वो मजाक कर रही है। वो मजाक कर रही है। हाँ, कैमरा वाले सामने डर लग रहा है। झूठ नहीं बोलिए। हम ऐसा, चलो ठीक है, वो मजाक कर रही है, ताकि यादव जीतेगा। झूठ नहीं बोलिए। टीवी 9 भारतवर्ष बिहार चुनाव के दौरान जब पूरे सूबे में घूम घूम कर ये पड़ताल कर रहा था कि बिहार के 17% मुसलमानों को इस बार मोदी कितने कबूल हैं, तो उसी सफर में पटना की दरगाह में हमें ये मुस्लिम दंपत्ति मिला। मुस्लिम बेटी ने कैमरे पर साफ ऐलान किया कि उनके शौहर भले ही किसी और पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उनका वोट तो मोदी के लिए ही फिक्स है। आप मोदी जी? यस। क्या कर रहे हैं घर में ही अलग अलग? हाँ तो क्या हुआ? तो मोदी जी क्यों, कोई खास वजह? हाँ,
है? क्या वजह है खास? अच्छे, इतना जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या भैया, मैडम तो आपसे अलग चल रही है। वो मजाक कर रही है। वो मजाक कर रही है। हाँ, कैमरा वाले सामने डर लग रहा है। झूठ नहीं बोलिए। हम चलो ठीक है, वो मजाक कर रही है। झूठ नहीं बोलिए। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी को ला रही है। जी हाँ। किन कारणों से बिहार का ये साइलेंट वोटर मोदी की बातों से मुतमईन हुआ और उसका भरोसा सबको छोड़कर पीएम मोदी के लिए क्यों पक्का हुआ, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी और अपनी पार्टी की असली ताकत किसे और क्यों बताया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। प्रधानमंत्री ने अपनी साइलेंट पावर के बारे में पूरे देश के सामने ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस छिपी हुई शक्ति को नमन भी किया और दिल से आभार भी जताया। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। सवाल है कि साइलेंट वोटर के मन में मोदी के लिए विश्वास क्यों बढ़ गया है? महिला शक्ति ने ये कैसे मान लिया है कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है, सब ठीक है? इसकी तस्दीक भी जरूरी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।